यूनाइटेड सिख मिशन कैलिफोर्निया वालों पांच महीने पहला शुरू किए गए यत्ना सदका श्री दरबार साहिब विखे 125 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दिता गया। इस दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदिया बीबी जगीर कौर ने कहा सी कि दरबार साहिब के अंदर सोलर सिस्टम लगाया गया ता जो बिजली की खपत नूं बचाया जा सके, जिसके चलद हम यूनाइटेड सिख मिशन कैलिफोर्निया के वालों यह बीड़ा चुकया गया। एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि सोलर सिस्टम 125 किलोवाट का सचखंड श्री दरबार साहिब विच लगाया गया ता जो बिजली की खपत नूं घट किया जा सके। इस तो इलावा होर भी गुरुद्वारे जिमें गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब विच भी कुछ समय बाद इस तरह का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। उत्थे यूनाइटेड सिख मिशन कैलिफोर्निया के आगुआ ने कहा कि करीब पांच महीने के विच साडे वालों ये सेवा पूरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही सतलानी साहिब गुरुद्वारों के विच भी उन्होंने वालों सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्होंने ये सेवा का मौका दिता। अमृतसर तो हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। जिस तरह मानयोग प्रधान साहब यूनाइटेड सिख मिशन कौंसल के कनेडा अमेरिका तो सरदार रशपाल सिंह की ढींडसा साहब जी ने दसिया कि पांच महीने पहला ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया सी कि असी सोलर सिस्टम जिहड़ा इत्थे एस्टैबलिश करिए, क्योंकि श्री दरबार साहब विखे बहुत सारी बिजली खपत होंदी है ते बहुत सारा लखा रुपए का जिहड़ा साडा महीने का बजट है, तकरीबन 50-60 लख रुपए महीने का बजट सी। उहदे वास्ते गुरु ने मेहर की, यूनाइटेड सिख मिशन कौंसल अमेरिका ने बहुत हिम्मत करके अपना इत्थे सारा सेवा का काम शुरू किया। 125 किलोवाट की अज जी है साड़ी संपूर्णता हुई है। आने वाले समय से जोड़ा असी 2.5 मेगावाट होर लाना है सतलानी विखे, वह भी असी सरकार तो सारिया परमिशन लै रहे हैं, जदों हो गया उन भी अस कंप्लीट करेंगे। और इस गल की भी खुशी है कि जे इन्हों अजे जगह इतने घट मिली सी, इन्होंने कहा कि बाकी गुरुद्वार च लवा लो, वह भी असी 700 किलोवाट जोड़ा वो गुरुद्वारा बीड़बा बुढ़ा साहब के तकरीबन कंपलीशन पर है, वह भी छेती उद्घाटन किया जाऊगा। बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारा साहब जी दे भी तकरीबन मुकम्मल होने वाली गल आ रही है। मैं समझती हाँ कि इन्हां दी श्रद्धा सत्कार ने बहुत बड़ा फल लिया, साडे वास्ते बहुत बड़ी सहूलत बनी है और संगत की सहूलत वास्ते इन्होंने जो पर उपकार किया मैं धन्यवाद भी करती हूँ, बधाई भी दिनी है। फिर मैं बेनती करा कि सारी विदेशों च बैठी संगत, देशों विच बैठी संगत कि सारिया सेवावां तुहाडे वल्लों कीतियां जाणियां, क्योंकि जो गुरु की गोलक विच भी आउंदा वह भी तुसीं मत्था टेकदे हो, जो तुसीं मत्था टेकदे हो, जो सत्कार भेट करदे हो, उहदे राहीं श्री गुरु रामदास जी दे जां बाकी गुरधामां दे सारे कार्ज जिहड़े ओह कीते जांदे। सो मेरी बेनती है कि वध तों वध सहयोग दिओ, जिहड़े साडे मिशन यूनाइटेड सिख मिशन कौंसल दे सारे मेरे भरा बड़ी जद्दोजहद लगे है, कोशिश करो कि इन्हां नाल वध तों वध सहयोग दिओ तां जो ये बाकी भी जिहड़ा प्रोजेक्ट है उहनूं छेती मुकम्मल कर सकन ते असीं इहदा लाहा लै सकीए। बहुत धन्नवाद जी, बहुत वधाइयां ढींडसा साहब सारी टीम नूं ते नाल ही गुरु अग्गे अरदास है कि गुरु रामदास मेहर करन, इसे तरह तुसी चढ़दी कला दे नाल चलदे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। साहब जी दे जिन्हां ने टुट के ये सेवा वारले सिखां नूं दित्ती सी, अज उन्होंने अपने ही मेहर भरे हथ रख के ये तकरीबन 5 महीनों च जिहड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जिन्नी इत्थे साडे कोल जगह सीगी। उस तो बाद बीर बाबा बुढ़ा जी दे जिदा प्रधान साहब ने दस्या भी तकरीबन असी 20-25 दिन के उद्घाटन कर देंगे, उत्थे 100% कंप्लीशन हो जाएगी। आने वाले समय के जिस तरह ही गवर्नमेंट ने गल कर रहे बीबी जी होनी, जे वो प्रोजेक्ट साडा कंप्लीट हो जाता तो 2.5 मेगावाट जिहड़ा सतलानी साहब वाले लगेगा, उहदे लई इन्हां नूं बेनती आ वी एक बारी बाहरले बैठे सिखां नूं जरूर आवाज़ मारन, वो ये काम अपना खुशी खुशी आ के जरूर निपरे चाणगे, क्योंकि हर सिख जिहड़ा आ उह दरबार साहब की सेवा लोचदा आ ते उहनां नूं आवाज़ मारन की लोड़ आ। इन्हां अगे बेनती आ वी तुसीं अपने लैवल ते उहनां नूं आवाज़ मारो, जे नहीं तां सारी संगत रल के वो अही कम निपरे जू चढ़ांगे। तो सारिआं दा धन्नवाद, खास करके बीबी जी होणां दा जिन्हां ने सानूं ये मौका दित्ता, साडे ते ट्रस्ट कीता, ते बाहरों आए सारे ही भैण भरावां दा जिन्हां ने इहदे विच योगदान पाया। तो असीं आस रखते हैं आने वाले समय के बच्चे चाहे वह एजुकेशन का खेत्र हो, श्रोमणी कमेटी का, चाहे वह हैल्थ का हो, चाहे वह इत्थे दे कम्मकारां दा हो, सारी संगत इन्हां दे नाल आ, ये उन्हां नूं आवाज़ मारन की लोड़ है, वो इन्हां दी ड्यूटी आ अपने किसी भी तरीके दे नाल उन्हां नूं ये जानकारी देण तां जो आ के अपना बनदा फर्ज पूरा कर सकन। असी तकरीबन जी जिहड़ा कल नूं कंप्लीट अगले महीने तक हो जाना, ये 4.25 करोड़ रुपये का जिहड़ा बजट आ ये लग जाना, 1.2 मेगावाट हो जाना सारा।
ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।